सदर अब्दुल्ला गुल की आमद के मौके पर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की तरफ से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में पाक तुर्क सीईओ सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर समेत पूरे मुल्क से 200 से ज्यादा सरमायाकारों ने शिरकत की। तुर्क सदर के हमराह आने वाले सनतकार और ताजिर भी फोरम में शरीक हुए। इस फोरम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सनत और तिजारत के शोबों में तआवुन बढ़ाना और सरमायाकारी के नए मौके तलाश करना था। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाइस चेयरमैन पीर साद एहसानुद्दीन ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा कि पंजाब में सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम किया जा रहा है, जबकि सूबे में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, कानकनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर किस्म के कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जिसके बायस सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मयसर आ सकते हैं, जबकि आमदोरफ्त के ज़राए भी बहुत बेहतर हैं। That we allow foreign businesses to come and take advanced tax rulings in Pakistan. This is a very powerful tool because you can come and take an advanced tax ruling from our tax authorities, and that is the highest level of tax you will have to pay during the time of your project. पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन अली अरबाली ने अपने खिताब में कहा कि बिरादर ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि सरमायाकारी को फरोग मिल सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तुर्की के सरमायाकारों की हौसला अफजाई करना होगी ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सरमाया आ सके। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के सदर जफर इकबाल चौधरी ने कहा कि मुश्तरका मनसूबे शुरू करने की जरूरत है। इस फोरम की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के बेहतर मौके मयसर आएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत में सरमायाकारी की जा सकती है। Value the role you are playing for strengthening business and economic ties between Pakistan and Turkey, and look forward to develop closer liaison with business community of Turkey. However, the year of the two countries could not avail the opportunity to provide the tremendous potential for mutual cooperation existing in all of these areas. The only sphere where they can claim to have made real progress is private Turkish investment in Pakistan. वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के सरमायाकारों के लिए फैसलाबाद में 225 एकड़ पर खसूसी इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि दुनिया हमसे सवाल करती है कि पाक तुर्क करीबी ताल्लुकात के बावजूद इनकी बाहमी सालाना तिजारत सिर्फ 740 मिलियन डॉलर क्यों है। ये वो सवाल है जिसका जवाब दोनों ममालिक की हुकूमतों, सियासी रहनुमाओं, ताजरों और अवाम को मिलकर तलाश करना है। दुनिया हमसे सवाल करती है कि आपके तुर्की से ताल्लुकात इतने करीबी हैं, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत सिर्फ 740 मिलियन डॉलर तक महदूद क्यों है। ये वो चुपता सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान और तुर्की की हुकूमतों, ताजरों, सियासी लीडरों और अवाम को मिलकर तलाश करना है। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल ने पाक तुर्क सीईओ फोरम से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और प्यार का रिश्ता है जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में तरक्की के लिए पाकिस्तान तुर्क माहिरीन की खिदमात से फायदा उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाहमी तिजारत में इजाफे के लिए ईरान के रास्ते तेज रफ्तार मालगाड़ी चलाने की जरूरत है ताकि सालाना तिजारत का हजम बढ़ सके। तुर्क सदर ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में चीन के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा महारत और टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है, जो पाकिस्तान में डैम बनाने में मदद दे सकती है। पाकिस्तान इससे फायदा उठाए। Çok güzel görüşmeler, konuşmalar yaptık. Bugün Lahore'a geldik. Lahore'a doğrusu gelmeyi gerçekten çok arzu ediyordum. फोरम में वजीर दाखिला रहमान मलिक, सुबाए वज़रा अहमद अली औलक, अशरफ सोना, कामरान माइकल, राना सनाउल्ला और अरकान असेंबली के साथ कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी ताल्लुकात, सरमायाकारी और प्यारो मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ममालिक से सरमायाकारों के वफूद का तबादला बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ हसन अली, सिटी 42।